गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नॉन फाइनाइट वर्ब्स यानी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रारंभ में जान लेना आवश्यक है, जैसे वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, जीरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। डिटेल में तो बाद की बात है। तो उसी क्रम के अंतर्गत यहां नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के विषय में जानकारी दी जाएगी। देखिए क्रियाएं, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में अध्ययन करते हैं तो वाक्य के अंतर्गत शब्दों का जो कार्य होता है उस कार्य के अनुसार उसका बंटवारा कर दिया जाता है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब इत्यादि। और जब वर्ब की बात आती है तो वर्ब बहुत तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्जिलरी वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और उसी का उल्टा या नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी जो मुख्य क्रिया नहीं होती। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हर चीज एक काम करती है, नाउन नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम करता है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का काम करता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है एक साथ दो काम करती है, क्रिया का काम करेगी या उसके साथ साथ नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर देगी, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। यहां पर देख रहे हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी जो सीमित नहीं है, फाइनाइट मतलब फिनिट, फिनिट का मतलब सीमा के अंतर्गत सीमित, यानी क्रिया का वह रूप जिसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। नॉट फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्रिया के वे रूप होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे क्रिया का वह रूप जो वाक्य के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया, मतलब जिसके ऊपर कर्ता के नंबर, पर्सन, जेंडर अथवा टेंस का कोई प्रभाव नहीं, यानी नॉन फाइनाइट क्रिया के वे रूप होते हैं जो वाक्य के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं और उनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से प्रभावित नहीं होते हैं और न ही किसी टेंस का बोध कराते हैं, इनके द्वारा किसी टेंस का भी जानकारी नहीं होगा। नोट, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य में वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं, क्योंकि ये वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का भी काम करते हैं, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, यानी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। अब इसे सबसे पहले इन्फिनिटिव पर आइए। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू वाक्य जी उसको टालना लाभदायक होता है। आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। ही केम हियर टू रीड ए बुक, वह यहां पढ़ने के लिए है। इन वाक्यों में टू वर्क है, टू प्ले है, टू रीड यह इन्फिनिटिव है, यानी टू वर्क, टू प्ले और टू रीड क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है, इस रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं, शब्द इन्फिनिटिव है। पहले वाक्य में टू वर्क का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह है हुआ है, यानी यहां देख रहे हैं जो टू वर्क इज यूजफुल, इज क्रिया का कर्ता टू वर्क है और कर्ता के स्थान पर नाउन का प्रयोग किया जाता है,
यानी यहां टू वर्क यानी इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं, यानी संज्ञा का काम करता है। कह रहा पहले वाक्य में टू वर्क का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है, अतः यह नाउन संज्ञा का कार्य करता है। और दूसरे वाक्य में देखिए आई हैव नो टाइम टू प्ले, टू प्ले के पहले टाइम एक नाउन के रूप में आया हुआ है और उस नाउन की विशेषता टू प्ले बता रहा है, हमारे पास खेलने के लिए समय नहीं है, यानी टाइम की विशेषता टू प्ले बता रहा है, इसलिए यहां टू प्ले एडजेक्टिव का काम है। अब जरा तीसरे में जाइए, तीसरे वाक्य के अंतर्गत टू रीड जो है अपने से पहले प्रयुक्त क्रिया केम को मॉडिफाई करता है, यानी यहां जो आया हुआ है ही केम हियर टू रीड ए बुक, यहां टू रीड अपने से पहले आई हुई क्रिया केम को मॉडिफाई कर रहा है, आने का उद्देश्य क्या था टू रीड ए बुक, तो यह कहलाएगा कि साहब यह एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी पहले वाक्य में टू वर्क सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो नाउन का काम कर रहा है, दूसरे में टू प्ले टाइम नाउन की विशेषता बता रहा है यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और तीसरे में टू रीड केम क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, यानी क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। नोट इन्फिनेटिव वाक्य में करा ध्यान देंगे इस बात पर कि इन्फिनिटिव जो आता है वह वाक्य के अंतर्गत नाउन का एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कार्य करता है। नोट इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनता है, यह 100% बात सही नहीं है कि हर जगह टू लगेगा, कुछ जगह टू छिपा लिया जाता है, वो बाद में इसके बाद वाले वीडियोस के अंतर्गत बताए जाएंगे कि फिलहाल आप लगभग 95% मान के चलिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनता है, अर्थात टू प्लस वर्ब के रूप में होता है, लेकिन कुछ जगहों पर विशेष परिस्थितियों में टू का लोप हो जाता है, उसे छिपा लिया जाता है। और एक काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव कितने प्रकार होते हैं, इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव, इसी को नाउन इन्फिनेटिव भी कहते हैं। करा इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव यानी वन नाउन इन्फिनेटिव है, जिरेंडियल इन्फिनेटिव यानी क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, जिरेंडियल इन्फिनेटिव यानी क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव विशेषता बताने वाला इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव पर आइए, ये है क्या, जो इन्फिनेटिव वाक्य में नाउन का कार्य करता है, करा वह इन्फिनेटिव जो वाक्य में नाउन का काम करता है उसे सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी वाक्य के अंतर्गत जो इन्फिनिटिव नाउन का काम करे वह सिंपल इन्फिनिटिव है, नाउन का कार्य करने के कारण सिंपल इन्फिनिटिव को नाउन इन्फिनिटिव भी कह देते हैं, यानी चूंकि सिंपल इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है इसलिए उसे नाउन इन्फिनिटिव भी कह देते हैं, जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट दोष निकालना, अब यह क्या है टू फाइंड फॉल्ट, यह सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, तो टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष निकालना सरल है, टू एडवांस वॉज इम्पॉसिबल, आगे बढ़ना असंभव था, टू एडवांस वॉज इम्पॉसिबल, आगे बढ़ना असंभव था, टू रिट्रेट पीछे हटना वाज डिफिकल्ट कठिन था, टू रिट्रेट पीछे लौटना पीछे हटना मुश्किल था कठिन था। पहचान कैसे पहचाने गया, सिंपल इन्फिनेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा होता है, कह रहा सिंपल इन्फिनेटिव में
क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले यानी प्रेजेंट फॉर्म के पहले टू लगा होता है और इसके हिंदी अनुवाद को अंत में यानी हिंदी अनुवाद के अंत में ना आता है क्या और इसके हिंदी अनुवाद के अंत में ना आता है। जैसे टू फाइंड फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट का मतलब दोष निकालना, टू एडवांस आगे बढ़ना, टू एडवांस आगे बढ़ना, टू रिट्रीट पीछे हटना, पीछे लौटना। तो सबके साथ देख रहे हैं कि लास्ट में ना ने नी जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वह होती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह वाक्य में दो तरह का काम करने के लिए आती हैं, एक तो वर्ब का और दूसरा नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। इसीलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये तीन तरह की होती हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। या इन्फिनिटिव की चर्चा हो रही है, इन्फिनिटिव किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनता है, काम या नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का करेगा, यानी सिंपल इंग्लिश। लेकिन इन्फिनिटिव दो तरह का होता है, सिंपल इन्फिनिटिव और जेरंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन का काम करता है, इसलिए इसे नाउन इन्फिनिटिव का नाम भी दे दिया जाता है। और दूसरा है जेरंडियल इन्फिनिटिव यानी विशेषता बताने वाला इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का निर्माण क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनता है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उस टू का लोप कर दिया जाता है यानी हटा दिया जाता है, जिसके विषय में अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।